हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। मैं हूँ स्वाति और अभी तक का तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो अब हम फाइनली देखने जा रहे हैं कांतारा का मास क्लाइमैक्स सीन, जो मुझे तो बहुत देखने का वेट नहीं हो रहा है अभी, तो पहले देख लेते हैं। अभी शिव चुप बैठने वाला नहीं है। शिवा, तू क्या सोच रहा है? अब तो जो हुआ वो सब कुछ ऐसा Thank you.
इस पापी को ना दो लगाओ क्या? Thank you.
भी चले जाएंगे क्या अपने पापा की तरह? फाइनली वो सबसे बड़े राक्षस जो पापी था उसका वध हो गया और सब लोग शांति से रहने लगे। और वो जो फाइट था ना सीरियसली बहुत बड़ा। ये फाइट के लिए अभी कोई नया वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास कि क्या वो बहुत दिल को छूने वाला फाइट था यार। सीरियसली पहले तो मैं हमारे ऋषभ शेट्टी सर को वो ही बोलूँगी यार कि इतना बड़ा आइडिया आया कौन से, आपका दिमाग बहुत बढ़िया है सीरियसली में, क्या स्टोरी है बॉस। और क्लाइमेक्स में अभी मुझे लग रहा है कि जब जब वो उनका बच्चा हो जाता है ना तब वो जो देव ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ही मिलता है शायद, कि पहले वो जो शिवा है उनके पापा जो थे वो देव बनते थे और उनके बाद वो शिवा में आया, नहीं उनके बाद वो गुरुवा ने लिया था पर गुरुवा को भी वो साहब ने मार दिया तो वो सेवा में। अभी मुझे लगता है कि वो उनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट है, उनको प्रेग्नेंट बताया है तो वो जो है उनका बच्चा भी होगा वो बनेगा देव। और जो सेवा थी वो वापस अपने पापा की तरफ चले गए जंगल में और वो भी अभी नहीं आएंगे वापस, वो भी अभी वापस नहीं आए और उनका बच्चा भी हो गया। अभी सब लोग शांति से रह रहे अच्छा है। सीरियसली गाइस यार वो जो लास्ट में उनमें देव आते हैं और उनका जो उस टाइम पे जो एक्टिंग है ना सीरियसली बहुत बढ़िया है। आज तक वैसे एक्टिंग मैंने कभी नहीं देखी, पूरा जो बॉडी है ना वो पता नहीं कैसे और वो अलग ही फीलिंग्स थी कि वो जैसे जैसे देव आ रहे और अचानक से उनके पापा झकते हैं वो ऐसे देहोस पड़े हुए हैं, वैसे मर ही गए शायद है ही नहीं अभी, और अचानक से उनके पापा आते हैं और कुछ सुनाते हैं तो उनको धीरे धीरे होश आने लगता है और अचानक से वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। माय गॉड मुझे वो सीन तो बहुत बहुत पसंद आया जो उनकी एक्टिंग है जब उनमें देव आते हैं वो सीरियसली यार और पूरा दिल को छूने वाला था। और उनका जो BGM था जो म्यूजिक था मार ही डाला यार, वो पूरा ऐसे ही लगता है कि सुनते ही जाए बहुत उसमें वो हम मैं तो खो ही गई थी उसमें, कहीं पता नहीं कि मैं यहाँ पे मुझे पता भी नहीं था कि कैमरा चालू है और बस मैं तो ऐसे ही पूरा मूवी के अंदर चली गई थी, पता ही नहीं चला। सीरियसली बहुत बढ़िया था उनकी एक्टिंग, एक नंबर की एक नंबर बहुत बढ़िया। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।